फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, और आज आपके लिए बहुत ही खास बात है कि इस वीडियो में हम परम्यूटेशन और फैक्टोरियल का जो डेवलपमेंट है, फैक्टोरियल का जो यूज़ है वो किस तरह से होगा, वो सब कुछ करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई वर्ड है, मान लीजिए आपके पास एक वर्ड है डॉटर, तो हाउ मेनी परम्यूटेशंस विल बी पॉसिबल, उनको कितने तरीके से जमा सकेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था जो सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, कि आपके फादर ने आपको ये चार डिजिट दे दिए, 4327 टाइप के चार डिजिट दे दिए, और बोले कि इसमें से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिससे, या आप कॉम्बिनेशन कहते होंगे उसको, लेकिन यह कॉम्बिनेशन का मतलब थोड़ा अलग होता है, कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से ही मेरा जो आपको डेबिट कार्ड से पैसा निकलेगा, तो ये मेरा पिन है, डेबिट कार्ड का पिन है। अब इस पिन में ये चार डिजिट हैं, पर वो सीक्वेंस आई विल नॉट टेल यू, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट सीक्वेंस इज दैट, वो सीक्वेंस कौन सा है। तो हाउ मेनी परम्यूटेशंस विल बी पॉसिबल, 4327 होंगे, 4372 होंगे, 3247 कितने होंगे, तो हाउ मेनी सच परम्यूटेशंस विल बी देयर। तो अभी तो मैं आपको जानकारी के लिए दे दूँ कि ये तो 24 होंगे, बट वी विल कम टू दिस 24, हाउ दिस 24 विल कम। अब 24 ये परम्यूटेशंस कैसे पॉसिबल होंगे, क्या तरीका है, क्या इसकी तरकीब है, कोई ऐसा टेक्निक है। मान लीजिए कि आपके पास यही एक वर्ड है, परम्यूटेशंस ही एक वर्ड है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स विल बी पॉसिबल, आप इनको यहाँ रीशफल करेंगे तो कितने ऐसे अरेंजमेंट बनेंगे, इन सब पे हम विचार करेंगे। तो आज का टॉपिक है परम्यूटेशंस, जिसमें हम प्योरली अरेंजमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम लेटर्स अरेंजमेंट करेंगे, डिजिट्स अरेंजमेंट करेंगे, पोजीशंस ऑक्यूपेंसी समझाएंगे। तो आइए आप साथ साथ बने रहें और देखते रहें। परम्यूटेशन में देखिए, आप परम्यूटेशन में आपके पास अगर एक लेटर है ए, और उसको आपको उससे कोड बनाना है, और कोड कितने डिजिट का बनाना है आपको, अगर आप कोड चाहते हैं कि एक ही उसका बने, तो ए को जमाने का तरीका क्या होगा आपके पास, एक। आपके पास एक लेटर है और एक लेटर का एक कोड बनाना चाहते हैं, और कोड के लिए फिर ध्यान से सुने, कोड के लिए एक ही प्लेस है, तो आप एक ही कोड बना सकते हैं। अब आपके पास दो लेटर्स हैं ए और बी, और प्लेसेस आपके पास दो हैं, कौन कौन सी, एक ए है, एक ये पोजीशन है, ये पोजीशन, सो हाउ मेनी कोड्स विल बी देयर। जबकि रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट पॉसिबल, यहाँ ए नहीं रख सकते आप, इस तरीके से नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या कर सकते हैं आप, एक कोड आप बना सकते हैं ए बी, और दूसरा कोड क्या बना सकते हैं, बी ए। कहने का मेरे मतलब है कि अगर आपके पास दो लेटर हैं और दो लेटर से आप कोई कोड जनरेट कर सकते हैं, तो दीज टू कोड्स कैन बी जनरेटेड। ऐसा नहीं है कि हमने ये चॉइस में रेस्ट्रिक्ट कर रखा है आपको, कि आपको दो लेटर का कोड और दो प्लेसेस तक ही बनाना है, इसमें आएगा और इसमें आएगा, आपको आगे नहीं जाना है। तो देयर विल बी टू सच कोड्स। अब और आगे बढ़ते हैं इसके, अगर आपके पास ए बी सी, अगर आपके पास तीन लेटर दे देंगे, तो तीन लेटर से कैसे कोड बनेंगे, तीन लेटर से नेचुरली वही सवाल कि तीन प्लेसेस का बनाना है, तो तीन प्लेसेस का कैसे बनेगा आपका, एक आपका बन जाएगा ए बी सी, एक बन जाएगा आपका ए सी बी, एक बन जाएगा आपका बी ए सी, एक बन जाएगा आपका बी सी ए, नीचे जगह नहीं है ऊपर लिख देता हूँ मैं, एक बन जाएगा आपका सी ए बी, और एक बन जाएगा आपका सी बी ए। ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितने बन गए, तो यू कैन सी देम एंड कैन एक्सपीरियंस देम। ये आपके पास सिक्स कोड्स हैं, कितने कोड्स हैं, हाउ मेनी दीज कोड्स आर, तो दीज आर सिक्स कोड्स, ये कितने हैं, टू है, ये कितने कोड हैं, ये वन कोड है। मान लीजिए कि आपके पास चार अल्फाबेट्स के चार लेटर्स हैं, ए बी सी और डी, आपको फोर लेटर्स दे दिए हैं मैंने, और फोर लेटर से मैंने कहा कि आप फोर लेटर का कोड बनाना है, तो फोर लेटर्स कौन कौन से दिए मैंने आपको, मान लीजिए मैंने आपको दे दिए हैं ए बी सी डी, अब आपको ए बी सी डी से कोड बनाने हैं, तो ए बी सी डी से कौन कौन से कोड आप बना सकते हैं, कौन कौन से जनरेट कर सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी डी सी, ए सी बी डी, ए सी डी बी,
ADBC, ADCB, तो अब ऐसे बनाने लगेंगे तो बहुत सारे कोड्स होंगे, तो फिर हमारा दिमाग घूम जाएगा कि अब यही यही करते रहेंगे। अभी तो ये ABCD थे, अगर मैंने आपको ऐसा दे दिया होता, ABCDE दे दिया होता, तब क्या करते? तब और ज़्यादा होते। फिर अगर यही एक बात होती तो वर्ड अगर आपका डॉटर होता और सारे सफल करने होते तो कितने बनते? तो ऐसे तो आप काउंट कर करके परेशान हो जाओगे। तो लेट्स कम टू द डेवलपमेंट नाउ। अब इसका डेवलपमेंट समझते हैं, तो ध्यान से देखो, ए ध्यान से, फिर हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली देखेंगे। ये ए को हमने फिक्स कर दिया, ए को हमने फिक्स कर दिया। जब हमने ए को फिक्स कर दिया तो मूवमेंट किसने किसने किया? मूवमेंट किया बी ने, सी ने और डी ने। तो बी सी डी कितनी चीज़ें हो गई? बी सी डी तीन चीज़ें हो गई। कितने तरीके से ये मूवमेंट करती हैं? तीन तरीके से, छह तरीके से। तो ए के साथ सारे कितनी बार आए? छह। ऐसा ही अगर मैं बी के साथ लेता, जब मैं बी को पहली पोजीशन में रख देता, बी को कहाँ रख देता मैं? पहली पोजीशन में। और किसको मैं मूवमेंट कराता? ए सी डी को। तो ए सी डी का मूवमेंट ठीक इसी तरह से होता जैसे ए बी सी का हुआ। तीन चीज़ों का मूवमेंट इसी तरीके से होता है। तो ये फिर सिक्स मेथड, सिक्स वेज आ जाते। फिर अगर मैं इस पोजीशन में सी को फिक्स कर देता और ए बी डी को मूव कराता तो भी मेरे पास कितने आ जाते? सिक्स आ जाते। फिर मैं यहाँ पर किसको फिक्स कर देता? डी को फिक्स कर देता और ए बी सी को मूव कराता तो भी मेरे पास कितने आ जाते? सिक्स आ जाते। तो ये सिक्स कितनी बार आ रहे हैं? हाउ मेनी टाइम दीज सिक्स आर कमिंग? तो दीज सिक्सेस आर कमिंग फोर टाइम्स। तो फोर इंटू सिक्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बन गए दोस्तों? फोर इंटू सिक्स। ओके, तो इसके लिए फोर इंटू सिक्स हो गए। किसके लिए फोर इंटू सिक्स हो गए? अगर हमारे पास चार लेटर्स हैं तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स हो गए दोस्तों फोर इंटू सिक्स। और अभी थोड़ी हमारे पास जगह कम है, वरना ए बी सी डी का भी अभी डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखें, ये इसके अरेंजमेंट कितने हो गए? तो फोर लेटर्स के अरेंजमेंट हो गए हमारे पास फोर इंटू सिक्स। सिक्स थ्री के कितने हो गए? सिक्स। टू के कितने हो गए? टू। वन का वन है। अब अगर हमारे पास ए बी सी डी ई होता तो मैं आपको यहाँ लेता हूँ, ये हो गया फोर इंटू सिक्स, ए बी सी डी ई। अगर हमारे पास पांच होते, ए बी सी डी ई पांच होते, तो ये पांच में से कैसे बनते? तो मैं ए को फिक्स कर देता, मैं किसको मूव कराऊं? बी सी डी ई को मूव कराएं। बी सी डी ई को मूव करेंगे तो बी सी डी ई टोटल कितने हैं? तो टोटल अगर फोर लेटर्स होते हैं तो कितने हो जाते हैं? ये फोर इंटू सिक्स। तो ये अरेंजमेंट होंगे इनके, इनके बी सी डी ई को अरेंज करेंगे, बी सी ई डी ई सी बी डी इस तरह से, तो ये हो जाएंगे फोर इंटू सिक्स। अब अगर बी पहली पोजीशन में रहेगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? बी अगर पहली पोजीशन में रहेगा तो मूवमेंट करने वाले रहेंगे ए सी डी ई, ए सी डी ई इधर आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, तो ये भी वही होगा फोर इंटू सिक्स। अब ये हर एक के लिए फोर इंटू सिक्स, ए के लिए फोर इंटू सिक्स, बी के लिए फोर इंटू सिक्स, सी के लिए भी वही आएगा फोर इंटू सिक्स, डी के लिए भी फोर इंटू सिक्स, सी के लिए भी आएगा फोर इंटू सिक्स, डी के लिए भी फोर इंटू सिक्स, ई के लिए भी फोर इंटू सिक्स। तो ये आप फोर इंटू सिक्स काउंट कर लो, तो ए बी सी डी ई के लिए फोर इंटू सिक्स कितनी बार? वन टू थ्री फोर फाइव, तो ये फाइव टाइम्स आ गए। तो इनको अरेंज करने के तरीके हो गए फाइव इंटू फोर इंटू सिक्स, फाइव इंटू फोर इंटू सिक्स। नाउ लेट्स कम टू द इन्फरेंस। अब हम इन्फरेंस पे आएंगे, अब हम निर्णय पे आएंगे। तो निर्णय पे आते हैं, निर्णय पे आने के लिए आप समझो, इसमें वापस से इसको मैं रब कर देता हूँ और ए बी सी को जमाने के तरीके मैं आपको बताता हूँ। ए जब पहली पोजीशन में रहेगा तो जो मूवमेंट करेंगे, मूवमेंट कौन करेगा? बी सी। बी सी कितने तरह से मूव कर सकता है? दो तरीके से। जब बी पहली पोजीशन में रहेगा तो ए और सी मूव करेंगे दो तरीके से, जब सी पहली पोजीशन में रहेगा तो ए और बी मूव करेंगे। तो ये कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया थ्री इंटू टू। तो जिसको हम सिक्स लिख रहे थे वो बेसिकली थ्री इंटू टू था, उस थ्री इंटू टू तो नेचुरली यू नो सिक्स इज थ्री इंटू टू, पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली उसका भी डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ। अब अगर इसको ले लो आप, इसको
तो व्हेन ए ऑक्यूपाइज, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब ए पहली पोजीशन में, तो आपके पास जो मूवमेंट करने वाला, जो घूमने वाला है वो बी है, ये हो गया वन। जब बी पहली पोजीशन में, तो ये कितना है, घूमने वाला आपके पास कितना हो गया, ए। तो फिर इसका मतलब है वन और वन कितनी बार आ गए, दो बार आ गए, तो ये टोटल हो गया आपका टू इंटू वन, टू इंटू वन। तो इसका मतलब है कि दो चीज़ें रहती हैं तो वो कितने तरीके से मूव करती हैं, टू इंटू वन तरीके से मूव करती हैं। जब तीन चीज़ें रहेंगी तो ए पहली पोजीशन में, ध्यान से देखिए, ए पहली पोजीशन में, तो बी और सी कितने तरीके से मूव कर रही हैं, टू इंटू वन तरीके से। ए और सी कितने तरीके से, ये ऊपर से देखिए, टू इंटू वन तरीके से, और ये कितने तरीके से, टू इंटू वन तरीके से। तो जो टोटल हो गया आपके पास वो हो गया थ्री इंटू टू इंटू वन। इधर देखिए, एक ही चीज़ है तो नो इशू। तो ये कितना हो गया बेसिकली, ये आपका बन गया दोस्तों टू फैक्टोरियल, ये आपका बन गया है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू थ्री फैक्टोरियल। अब इधर देखिएगा, इधर जो हमने फोर इंटू सिक्स लिखा था, बहुत ईजीली हैप्पीली लिखा था, अब इस फोर इंटू सिक्स पे आ जाते हैं हम। ए बी सी डी, हमारे पास चार लेटर्स हैं, फोर लेटर्स आर देयर, ए बी सी और डी। अब ध्यान से सुनो, ए बी सी डी, अब हम अगर ए को फिक्स कर देंगे पहली पोजीशन में, तो जो मूवमेंट करने वाले होंगे वो कौन होंगे, तीन। अब तीन चीज़ों को जमाने के तरीके क्या हैं, तीन चीज़ों को जमाने के तरीके हैं फैक्टोरियल थ्री, क्या है वो, थ्री फैक्टोरियल। तो इसके जमाने के तरीके हो जाएंगे थ्री इंटू टू इंटू वन। जब बी पहली पोजीशन में आएगा तो मूवमेंट करेंगे कौन, ए सी डी, इसके भी जमाने के तरीके कितने होंगे, तीन चीज़ों को जमाने के तरीके थ्री इंटू टू इंटू वन। सी के लिए भी यही होगा थ्री इंटू टू इंटू वन, डी के लिए भी क्या होगा, डी के लिए भी वही होगा थ्री इंटू टू इंटू वन। तो ये आपके पास आ गए थ्री इंटू टू इंटू वन फोर टाइम्स, तो ये क्या बन गया आपका फोर टाइम्स थ्री इंटू टू इंटू वन। ये सब अगर आप ऐड कर दोगे तो फोर टाइम्स थ्री इंटू टू इंटू वन, तो ये आपका बन गया फोर फैक्टोरियल। ये क्या बन गया दोस्तों, फोर फैक्टोरियल। अगर आप इसी तरीके से अगर पाँच ए बी सी डी ई लेंगे, तो ए के लिए कितने आएंगे आपके पास घूमने वाले, बी सी डी ई, इसके लिए भी आएंगे, तो ये हो जाएंगे फोर फैक्टोरियल। जब यहाँ पर बी लेंगे तो भी फोर फैक्टोरियल, ऐसा फोर फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, ऐसा फोर फैक्टोरियल आएगा फाइव टाइम्स, तो ये हो जाएगा फाइव इंटू फोर फैक्टोरियल, विच कैन बी रिटन एज व्हाट, इट कैन बी रिटन एज फाइव फैक्टोरियल। तो द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस इज व्हाट, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो मूवमेंट कर रहे हैं, द लेटर्स विच आर मूविंग, द लेटर्स विच आर एक्सचेंजिंग देयर प्लेसेस, वो इधर उधर जो मूवमेंट करते हैं, तो दैट कम्स इन दिस फॉर्म फाइव फैक्टोरियल। अगर ये सारे के सारे मूव करें, कौन कौन सारे, ए बी सी डी ई, अगर ये सारे के सारे मूव करेंगे, इफ दे ऑल मूव इन ऑल द वेज, तो टोटल जो कोड बनेंगे, द टोटल नंबर ऑफ कोड्स विच कैन बी जनरेटेड बाय मेकिंग दे मूव, किसको मूव कराने से, बाय मेकिंग टू दीज मूव, अगर इन सबको घुमाने से बनेंगे, तो नंबर ऑफ कोड्स कितने बनेंगे, फाइव फैक्टोरियल कोड्स बनेंगे। अब जैसे एक वर्ड ले लीजिए आप, फादर का ले लीजिए, तो फादर में टोटल लेटर्स कितने हैं, तो आप फादर से शुरुआत करते हैं हम, फादर, तो फादर में आप देखेंगे कि टोटल लेटर्स कितने हैं, तो यू मे काउंट देम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स लेटर्स आर देयर। तो टोटल परम्यूटेशंस कितने होंगे, टोटल परम्यूटेशंस या टोटल अरेंजमेंट्स, एक ही चीज़ है दोस्तों, टोटल परम्यूटेशन, व्हेन आई से परम्यूटेशन इट मींस टोटल परम्यूटेशन या टोटल अरेंजमेंट्स और टोटल परम्यूटेशंस सेम थिंग। तो ये टोटल परम्यूटेशंस होंगे, कितने होंगे हमारे, ये होंगे दीज विल बी सिक्स फैक्टोरियल। पर अगर आपको रेस्ट्रिक्ट कर दे, इफ समवन रेस्ट्रिक्ट्स यू, कैसे रेस्ट्रिक्ट करे, कि बोल दे कि आर जो है वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा, आर शुड बी एट फर्स्ट प्लेस ओनली, आर को एक फर्स्ट प्लेस पे रखना है आपको, तो आर शुड बी एट फर्स्ट प्लेस, आर को अब हमें फर्स्ट प्लेस पे रखना है, तो आर को हम पहली पोजीशन में चिपका दें, आर को हमने पहली पोजीशन में चिपका दिया। अब हमारे पास जो मूवमेंट करने वाले हैं वो कौन कौन है, हमारे पास मूवमेंट करने वाले हैं एफ ए टी एच ई,
अब इनको हम मूव करा सकते हैं, तो दे कैन बी मूव्ड या दे कैन एक्सचेंज देयर पोजीशंस इन हाउ मेनी वेज। ये टोटल घूमने वाले कितने, तो ये टोटल घूमने वाले वैसे ही हैं जैसे ए बी सी डी ई में लिखा था, तो ये टोटल घूमने वाले हैं 5 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। अब अगर आप इसको और थोड़ा सा आगे समझते हैं, आर एट फर्स्ट प्लेस एंड ई एट लास्ट प्लेस, ई एट लास्ट प्लेस, आर फर्स्ट प्लेस पे हो, ई लास्ट प्लेस पे हो, तब क्या होगा, तो आर यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास ई हो जाएगा। अब जो मूवमेंट करने वाले होंगे वो कौन कौन से बचेंगे आपके पास, वो बचेगा आपका एफ ए टी एच, ये चार ही चीज मूव करेंगी, ये दोनों तो कहाँ रहेंगे, फिक्स रहेंगे, एक इधर एक उधर, तो ये कितने होंगे, तो दीज अरेंजमेंट्स, दीज परम्यूटेशंस विल बी हाउ मेनी, 4 फैक्टोरियल परम्यूटेशंस विल बी देयर। अब दूसरी बात लिखते हैं हम, आर एंड ई एट एक्सट्रीम, आर एंड ई एट एक्सट्रीम पोजिशंस, आर एंड ई विल ऑक्यूपाई एक्सट्रीम पोजिशंस। इसमें क्या खास बात है, तो इट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर क्वेश्चन, जो इसका पहला भाग था जिसमें हमने ये कहा था कि आर और ई, आर फर्स्ट है ई लास्ट है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है ई फर्स्ट हो और आर लास्ट हो, तो एक तो ये बन जाएगा, जब आर फर्स्ट होगा ई लास्ट होगा, घूमने वाले क्या रहेंगे आपके पास, एफ ए टी एच, कितने हो जाएंगे वो, 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे। पर अब ऐसा भी तो हो सकता है आर इधर चला जाए ई इधर आ जाए, तो ये सारे केसेस विल बी जस्ट डबल, तो ये सारे केसेस क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और डबल होके ये वैल्यू हो जाएगा 2 × 4 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू 24 है, इसका 120 है, इसका 720 है, इसका 48 है, तो ये हो गए अब हमारे पास। और हम इसको थोड़ा आगे समझ सकते हैं, तो ध्यान से देखें, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ए जस्ट बिफोर ई, ए जस्ट बिफोर ई, ए हमेशा ई से पहले आए, मतलब हम कुछ भी जमाएंगे एफ ए ई आर टी एच, ये होगा, मतलब ए और ई क्या रहेंगे, ए और ई सेपरेट नहीं होंगे, ए और ई सेपरेट नहीं होंगे, ए और ई साथ साथ रहेंगे, कहीं भी रहें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने एफ आर एच टी, तो ए ही कहाँ आ सकता है, ए ही एक साथ आएगा यहाँ आ सकता है, या ए ही यहाँ आ सकता है, या ए ही कहीं भी जा सकता है, पर ए ही सेपरेट नहीं होगा, तो ये ए ही को साथ रखने वाली बात थी। आप थोड़ा सा बच्चों कन्फ्यूजन बढ़ सकता है हमारे दिमाग में, तो इसके लिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, उस बात को अगर आप ध्यान से समझ पाएंगे तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बात ऐसी है कि आप सोचें कि आपके घर में छोटा भाई या छोटी बहन है या नहीं है, तो आप एक बच्चा इमेजिन कर लें अपने दिमाग में और सोच लें कि हमारे पास एक ट्रे है, वी हैव अ ट्रे लाइक दिस, जिसमें 7 पोजीशंस आर देयर, 7 सेक्शंस आर देयर, 7 सेक्शंस हैं, और ये जो डिजिट्स हैं हमारे, जो लेटर्स हैं, ये छोटे छोटे प्लास्टिक बॉक्सेस हैं, व्हाट आर दे, दीज आर प्लास्टिक बॉक्सेस, ये प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, इन प्लास्टिक के बॉक्सेस को क्या करना है, दे आर टू बी प्लेस्ड इन दीज स्पेसेस, ये जो स्पेस बनी हुई है इनमें इस ट्रे में रखना है, तो टोटल लेटर्स अपने पास 6 हैं और 6 spaces are there, इनको इधर से उधर, एक जगह पे 2 नहीं आ सकते, कीप दिस थिंग इन माइंड, 1 box can occupy only 1 position, तो वो एक ही पोजीशन ले सकता है, तो आप टोटल जो नंबर ऑफ कोड्स हैं वो ये होंगे, जब एफ आर फर्स्ट पोजीशन में आएगा यहाँ रख देंगे तो आपके पास 5 फैक्टोरियल होंगे। एंड द सेकेंड थिंग, आप ये ध्यान से सोचिए कि जो बच्चा है उसको ये नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है, अल्फ़ाबेट्स का नॉलेज नहीं है, वो तो केवल इधर से उधर, उधर से इधर, सारे पॉसिबल वेज में जमाता है, और जब जब वो जमाता है
तब तब आप फोटोग्राफ लेते हो, फोटोग्राफ से कोड जनरेट होता है एंड यू कीप दैट कोड इन योर माइंड। अगर वो 2 साल भी खेलता रहे इसमें, इससे 6 लेटर्स हैं, 6 स्पेसेस हैं, तो वो आप सोचो 2 साल में 6 फैक्टोरियल यानी 720 कोड्स से ज़्यादा कोड किसी भी सूरत में जनरेट नहीं कर सकता वो। अगर कोई नए कोड आ रहे होंगे इससे ज़्यादा, इफ़ मोर कोड्स आर बीइंग अपीयर्ड, इसका मतलब है कि वो रिपीट हो रहे होंगे, इससे ज़्यादा कोड नहीं हो सकते। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो आपके पास एक कलाकार और आ जाएगा। वन इमेजिनरी पर्सन विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप देखिएगा कैसे। अब आपने कहा ए जस्ट बिफोर ई, और मैं आपको बोलता हूँ आई से टू यू दैट द चाइल्ड इज़ नॉट नोइंग वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एंड अल्फ़ाबेट्स एनीथिंग, ही जस्ट प्ले विद देम। तो ए और ई आपने क्या किया, बच्चे से ले लिए। तो बच्चे के पास टोटल कितने हैं, हाउ मैनी डज ही हैव, ही इज़ हैविंग हाउ मैनी, 6। इसमें से आपने 2 ले लिए उससे, ए और ई ले लिए। अब उसके पास कितने बचेंगे, अब उसके पास बचेंगे एफ टी एच आर। ए जस्ट बिफोर ई लिखा है आपने, तो अगर आप उसको ए और ई दे देंगे तो जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा। तो अब आप चाहते हैं कि ए जस्ट बिफोर ई आए, तो आप क्या करो, ए चिपका दो और ए के बाद ई चिपका दो, ए चिपका दो और ए के जस्ट बाद में क्या चिपका दो, ई चिपका दो, और इसको उसको बॉक्स को उसके पास दे दो। तो अभी उसके पास जब आपने लिए थे तो कितने बचे थे, 1 2 3 4। अब जब आपने इसको चिपका के दे दिया तो अब उसके पास कितने हो गए टोटल, नाउ ही इज़ हैविंग 5 ऑब्जेक्ट्स। अब ये ए और ई कैसे आएंगे, ये ए और ई इसके अंदर नहीं घुस सकते, वो दे विल टेक दीज 2 प्लेसेस, उनको 1 प्लेस से ज़्यादा लगेगी, ठीक है, 2 प्लेसेस लगेगी, पर हाँ साथ साथ में ही रहेंगे। तो आप कितने हैं उसके पास ऑब्जेक्ट्स, अब उसके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब उसके पास प्लेसेस कितनी हो गई, तो प्लेसेस भी 5 है, नेचुरली क्यों 5 है, क्योंकि वो 2 एक साथ ही लेंगे। तो अगर वो ये ए को यहाँ रखेगा तो ई उसके बाद इधर आ जाएगा अपने मन से बिना कुछ कहे, अगर ए यहाँ रखेगा तो ई यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें कोई अपना रोल नहीं है। तो आपके पास कितनी चीज़ें हो गई, बच्चे के पास 5 चीज़ें हो गई। तो ही कैन अरेंज देम इन हाउ मेनी वेज, ही कैन अरेंज देम इन हाउ मेनी वेज, ही कैन अरेंज देम इन 5 फैक्टोरियल वेज। ए जस्ट बिफोर ई को वो कंडीशन अगर डाल दी जाए तो वो 5 फैक्टोरियल तरीके से उनको जमा सकता है। अब अगर आप क्वेश्चन चेंज करते हो, अब आप लिखते हो ए एंड ई टुगेदर, अभी इसी सवाल को, द सेम क्वेश्चन कैन बी मेड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बाय राइटिंग ए बिफोर ई, केवल इतना लिख दें कि ए बिफोर ई, एंड आई से टू यू थिंक ओवर दिस, ए बिफोर ई, ए बिफोर ई के बारे में आप सोचना, एंड प्लीज लेट मी नो एट माय व्हाट्सएप नंबर। ए एंड ई टुगेदर, ए एंड ई टुगेदर, ए एंड ई टुगेदर, तो ए एंड ई टुगेदर क्या होगा, तो बच्चे के पास कितनी चीज़ें हैं, 6, 6 में से हमने क्या ले लिए, 2 ले लिए उससे, दोनों को हमने चिपका दिया, ए बिफोर ई, ए को ई के पहले चिपका दिया और उसको दे दिया। उसके पास कितने आइटम्स हो गए, नाउ ही इज़ हैविंग 5 आइटम्स, सो ही कैन अरेंज देम इन हाउ मेनी वेज, 5 फैक्टोरियल वेज। लेकिन दोस्तों हमारे पास एक चॉइस और है, हम ए और ई टुगेदर होना चाहिए, ए जस्ट बिफोर ई नहीं होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, इवन इट मे बी पॉसिबल ई बिफोर ए, ये वाला भी केस आ सकता है। तो देर मे बी 2 सच सिचुएशंस, ऐसी 2 सिचुएशंस हो सकती है, ए के बाद ई आ जाए या ई के बाद ए आ जाए। तो जब हम ये देंगे तो 5 फैक्टोरियल, जब हम ये देंगे तो और 5 फैक्टोरियल बन जाएंगे, तो 5 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल 2 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 × 5 फैक्टोरियल। तो हाउ मेनी केसेस विल बी देयर, देयर विल बी दीज मेनी केसेस 2 × 5 फैक्टोरियल। अब इसमें वॉवेल्स कितने हैं, हाउ मेनी वॉवेल्स डज इट हैव, इट इज़ हैविंग ओनली 2 वॉवेल्स। तो ये वाला केस और वॉवेल्स टुगेदर का केस सेम हो गया। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन फादर का ना हो के डॉटर का हो, और डॉटर में अगर आपसे पूछा जाए कि वॉवेल्स टुगेदर
तो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन टू यू. बहुत शानदार है. अगर आपको ये कंसेप्ट उतर गया दिमाग में तो यू विल बिकम अ मास्टर ऑफ दिस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. डॉटर, डॉटर में हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? तो डॉटर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लेटर्स आर देयर. एंड माई क्वेश्चन टू यू, वॉवल्स टूगेदर, हाउ मेनी परम्यूटेशंस कैन बी मेड व्हेन वॉवल्स आर टूगेदर? वॉवल्स आर टूगेदर, आई एम नॉट राइटिंग आर, वॉवल्स टूगेदर जस्ट ओनली, वॉवल्स टूगेदर. तो वॉवल्स टूगेदर, तो हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? तो आप देख लें वॉवल्स कितने हैं. देर आर 8 वॉवल्स. तो 8 वॉवल्स है, 8 वॉवल्स में से 3 ले लें आप बच्चे से. एक आप ए ले लेंगे, एक यू ले लेंगे, एक ई ले लेंगे. तो जब ये ले लेंगे तो उसके पास क्या बच जाएगा? उसके पास बच जाएगा डी जी एच टी आर. आपने क्या ले लिया उससे? ए यू ई ले लिया. अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप ए यू ई को उसको एक बना देंगे, चिपका देंगे, ताकि अगर आप कहेंगे कि खुले इसको लूज दे देंगे, लूज पैकिंग दे देंगे तीनों को अलग अलग, तो वो डिस्टर्ब कर सकता है बच्चा, क्योंकि उसको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का नॉलेज नहीं है. तो आप उसको साथ साथ देंगे ए यू ई. अब उसके पास ऑब्जेक्ट कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब उसके पास ऑब्जेक्ट्स हो गए 6. तो जब 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए उसके पास, तो वो कितने तरीके से जमाएगा? 6 फैक्टोरियल. पर अब हमारे पास चांस है दोस्तों, हम उसको ए यू ई जमाएं, ए यू ई जमाएं, या ए ई यू जमाएं, या यू ए ई जमाएं, या यू ई ए जमाएं, या फिर हम ई ए यू जमाएं, या ई यू ए जमाएं. तो हमारे पास भी तो 3 चीज़ें हैं, तो हम कितने तरीके से जमा सकते हैं? तो 3 चीज़ें जमाने का तरीका तो वही 3 फैक्टोरियल है जो पुराना वाला है. तो इनटू हमारी चॉइस है, हम ऐसा 6 बार करके दे सकते हैं, 3 फैक्टोरियल टाइम्स करके दे सकते हैं. हम कैसी बार, हम कितनी बार कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल टाइम्स. तो ये बेसिकली द प्रिंसिपल विच हैज़ कम आउट ऑफ दिस. यहाँ पे हो गया बच्चा फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो गए आप फैक्टोरियल, आप फैक्टोरियल इंटू बच्चा फैक्टोरियल, यू फैक्टोरियल इंटू चाइल्ड फैक्टोरियल. आप इस थ्योरी से चलें. तो अब एक और मैं लेता हूँ इसके लिए, फिर आप हम और आगे के केसेस सीखेंगे, डिक्शनरी भी मैं बनाना सिखाऊंगा आपको. आप सारे वीडियोस मेरे देखते रहें जहाँ रिपीटेशन, अभी हमने जो सारे केसेस लिए हैं इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड का लिया है. रिपीटेशन अलाउड वाले केसेस भी आई विल बी डिस्कसिंग विद यू पीपल, यू नीड नॉट टू वरी. आप ध्यान से सुनिए. अब अगर इसी में आपको कह दिया जाए कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, तो कॉन्सोनेंट्स टुगेदर का भी बिल्कुल आसान हो गया. अब बच्चे के पास टोटल चीज़ें कितनी है? टोटल चीज़ें 8 है. हमने उससे कितने ले लिए? हमने उससे 5 ले लिए. अब उसके पास कितने बचेंगे? उसके पास बचेंगे 1, 2, 3. अब ये पांचों जो हैं इनको चिपका दो आप और बच्चे को दे दो, तो उसके पास हो गए 1, 2, 3, और एक ये ऑब्जेक्ट बन गया उसका 4 फैक्टोरियल. तो वो कितने तरीके से जमाएगा? 4 फैक्टोरियल तरीके से जमा सकता है. अपने पास क्या चीज़ है? व्हाट डू वी हैव इन आवर हैंड? अब हमारे पास कितनी चीज़ें? ये तो उसके लिए एक चीज़ थी 1, 2, 3, और ये पूरा एक था 4, पर हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 5 चीज़ें. तो हम कितने तरीके से जमा सकते हैं उसको? वी कैन अरेंज देम इन 5 फैक्टोरियल वेज. तो द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी दीज मेनी. कब? जब कॉन्सोनेंट्स टुगेदर होंगे. अब ऐसा कोई क्वेश्चन हो दोस्तों कि ऑल वॉवल्स नॉट टुगेदर, ऑल वॉवल्स नॉट टुगेदर, सारे वॉवल्स साथ साथ ना आए, तो सारे वॉवल्स साथ साथ ना आए इसके लिए हमको लेना पड़ेंगे टोटल परम्यूटेशंस एंड दोज परम्यूटेशंस इन विच वॉवल्स कम टुगेदर. टोटल परम्यूटेशन, या मैं डायरेक्ट लिख दूँ, टोटल केसेस माइनस दोज केसेस इन विच वॉवल्स आर टुगेदर, वॉवल्स टुगेदर. तो टोटल कितने होंगे? तो टोटल दे आर हाउ मेनी? दे आर 8. सो टोटल केसेस विल बी 8 फैक्टोरियल माइनस वॉवल्स टुगेदर. व्हेन वॉवल्स आर टुगेदर? सो वॉवल्स आर टुगेदर दीज मेनी टाइम्स.
3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय योरसेल्फ, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक था जब वॉवल्स टुगेदर कॉन्सोनेंट्स टुगेदर है। पर हाँ, इसमें एक बात और है दोस्तों, वो केसेस कौन से केसेस, अगर आपसे पूछ लिया कि नो टू वॉवल्स टुगेदर तो दैट विल नॉट बी सिमिलर टू दिस। इसमें ऑल वॉवल्स नॉट टुगेदर, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, देयर आर 3 वॉवल्स, दे ऑल शुड नॉट बी टुगेदर। 3 लोग साथ साथ नहीं होना चाहिए, 2 मे बी टुगेदर, 2 लोग साथ साथ हो सकते हैं, 3 साथ साथ नहीं होना चाहिए, 2 हो सकते हैं। लेकिन जब मैं ऐसा लिखूंगा कि 2 आर नॉट टुगेदर, 2 वॉवल्स नॉट टुगेदर, तो वो केस एक अलग केस बनेगा। 2 वॉवल्स नॉट टुगेदर का केस थोड़ा सा अलग होगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दीज केसेस और दीज सिचुएशंस। लेकिन अभी मैं आपको क्या असाइन कर सकता हूँ, वन थिंग आई कैन असाइन यू और वन थिंग आई कैन टेल यू विच यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। तो वॉट इज दैट क्वेश्चन? सो आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन इज, लेट्स कंसीडर अ वर्ड, द वर्ड इज मंडे, द वर्ड, लेट अस सी दिस वर्ड इज मंडे। अब मंडे में आप क्या क्या निकाल सकते हो, तो मंडे में व्हाटसोएवर इज आस्क्ड यू, पहला केस है ऑल पॉसिबल, सारे पॉसिबल परम्यूटेशंस आपको बताना है। दूसरा, व्हेन डी एट फर्स्ट प्लेस, डी जब फर्स्ट प्लेस में आएगा, जब डी फर्स्ट प्लेस में आएगा। तीसरा केस, ए जस्ट बिफोर डी, ए एंड डी टुगेदर। अब ऐसा भी बोल सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स बिगिन विद डी। सो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन दिस वे टू। अब फिफ्थ पार्ट में आपको बोलता हूं, ए एंड वाई एट एक्सट्रीम पोजिशंस। अब ऐसा भी हो सकता है, ए एंड एफ एट एक्सट्रीम। तो आप कहोगे कि एफ तो है ही नहीं, तो फिर क्या दिक्कत है, देर विल बी 0 केसेस। ऐसे केसेस कितने होंगे, हाउ मेनी सच केसेस विल बी देयर, देर विल बी नो केस एट ऑल, ऐसा कोई केस नहीं बनेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें वॉवल्स 2 हैं, तो वो क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। कौन सा क्वेश्चन? ऑल वॉवल्स टुगेदर। इस केस में हम कह सकते हैं कि ऑल वॉवल्स नॉट टुगेदर या 2 आर नॉट टुगेदर, क्योंकि इसमें 2 ही हैं। लेकिन डॉटर का केस वॉज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस। 8th वाले में आप ऐसा कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट्स टुगेदर का ले लें, एक कॉन्सोनेंट्स टुगेदर का केस ले लें और इन सारे केसेस की वैल्यूज निकालें। हो सके तो आप मुझे लिखें, और आपको मालूम है, यू नो बेटर, कि दिस इज योर चैनल एंड यू नीड टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। My best wishes with you. Anything if you wish to share with me, you can share at my WhatsApp number and I am at your disposal. So my best wishes with you. आप आगे बढ़ें, देश आगे बढ़ाएं, all the best.